में सबसे पहले जिक्र करिए अपन जिले का, जहां से आपराधिक घटना को लेकर सूचना सामने आ रही है। पेट्रोल पंप में बंदूक की नोक पर लूट हुई है। नकाब पहनकर लुटेरे यहां पर पहुंचे, नेशनल हाईवे स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गरियाबंद सिटी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। कर्मचारियों से पूछताछ की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं, ये भी पता लगाने का प्रयास, और कैसे यहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल हुए। गरियाबंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, नेशनल हाईवे पर यह पेट्रोल पंप स्थित है। बंदूक की नोक पर लूटपाट की, नकाब पहनकर आए थे, जिससे तस्वीरें अगर रिकॉर्ड भी हो तो पहचानी ना जा सके, लेकिन पुलिस भी अब सतर्क हो चुकी है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां से बदमाश आए, कैसे रैकी की, कैसे इतनी बड़ी आपराधिक वारदात को, घटना को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। गरियाबंद का मामला चौंका देने वाला, क्योंकि पुलिस अमला, प्रशासनिक अमला बहुत सतर्क यहां पर रहता है। ऐसे कि शेख इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, वारदात के दौरान क्या कुछ हुआ है जानकारी? जी अवंतिका, जिस तरह से जानकारी मिली है, ये पूरा जो मामला है नेशनल हाईवे 130 सी लक्ष्मी पेट्रोल पंप का है, जहां दो नकाबपोश युवक आते हैं बाइक पर और बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और इस लूट की वारदात को बंदूक लगाकर जब देते हैं तो कर्मचारी डर जाते हैं, और कर्मचारियों ने यह बताया कि नकाबपोश जैसे ही आए और डरा धमका कर उनके पास कैश रखा बैग लेकर चले गए हैं। और अभी ये पता चला है कि जो कैश है वो 13,000 बता रहे हैं, हालांकि पुलिस इसमें और पत्तासाजी कर रही है। सीसीटीवी कैमरा जो है, ये हैरानी की बात है कि पेट्रोल टंकी में जो सीसीटीवी कैमरा चालू रहना चाहिए वो बंद हालत में मिले हैं, और इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के बाद जो है पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर जगह पर चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है चौक चौराहों पर, और एसडीओपी मौके पर पहुंचे हैं। अब कर्मचारियों के साथ पूछताछ करें कि आखिरकार ये वारदात कैसे हुई है, इसके पीछे क्या है। और गरियाबंद पुलिस का कहना है कि एसडीओपी का कहना है कि जल्द आरोपी तक पहुंचा जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर अभी पड़ताल जारी है, लेकिन बंदूक के नोक पर इस लूट को अंजाम दिया गया है। ये वाकई में एक बड़ी वारदात है, जिसको लेकर पुलिस अभी सतर्क मोड पर है। जी अवंतिका, बहुत शुक्रिया आपको इमरान जानकारी के लिए। और अब अगली खबर दुर्ग से, जहां पिता और सौतेली मां की पिटाई से मासूम की मौत हो गई है। 4 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया, बच्चे की बेरहमी से पिटाई हुई है। पड़ोसी के शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है। कुम्हारी क्षेत्र की पूरी घटना, कुम्हारी पुलिस घटना की जांच करते हुए पीट पीट कर मासूम को मौत के घाट उतार डाला। पिता और सौतेली मां ने पिटाई की मासूम के साथ, 4 साल का ये बच्चा था, बहुत बेरहमी से पीटा गया, इतना कि उसने दम तोड़ दिया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बहुत बड़ी जानकारी बर्बरता को लेकर ये है, विस्तार से खबर। निश्चित रूप से काफी ये दर्दनाक घटना है कि जब एक 4 साल के बच्चे को मौत की घाट उतार देते हैं उसके पिता, और उसकी सौतेली माँ है जो जिसने उसको पीट पीट कर मार डाला। ये पूरी जो घटना है वो भिलाई के कुमारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई है, जब एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। और इस पूरे मामले में कुमारी थाना पुलिस ने भी अपराध दर्ज किया है, हत्या का मामला दर्ज किया, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है वो निश्चित रूप से काफी दर्दनाक और चिंतनीय है, क्योंकि एक माता पिता ने ही मिलकर अपने ही बच्चे को मौत की घाट उतार दिया है। जो पड़ोसी है उसका ये कहना, जिसने अपराध मतलब जिसने अपराध दर्ज करवाया है, कि इसके पहले भी लोगों ने कई बार उसके साथ मारपीट की थी, इस वजह से उन लोगों ने छुड़ाया भी था और इस वजह से उनको मोहल्ले से भी बाहर निकाल दिया था, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाने के बाद में उन्होंने फिर वही कृत्य किया जिसके बाद में बच्चे की मौत हो गई। तो अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद में और भी बहुत चीज सामने आएगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जो 4 वर्षीय बच्चे के अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां ऑटो मैकेनिक शॉप में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, इसमें अचानक से आग लग गई। गाड़ी रिपेयर करते समय आग लगी है, बाल बाल बचा मैकेनिक, किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, ये अच्छी बात, लेकिन सतर्क कर देने वाली खबर राजनांदगांव का जिक्र करें। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस वाहन में आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरे दुकान को चपेट में लिया है, तस्वीरें निश्चित ही डरा देने वाली, लेकिन सतर्क कर देने वाली।
कांकेर की बात करेंगे। पखांजूर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गंगोली पर धोखाधड़ी का आरोप है। अवैध प्लॉट का पट्टा देकर 1,00,000 रुपए ठगे हैं। 2021 का पूरा मामला है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष असीम राय हत्याकांड में आरोपी बप्पा गंगोली भी है। कांकेर जेल में बंद है बप्पा गंगोली। पखांजूर पुलिस ने एक और मामला इसके नाम से उजागर किया कि 1,00,000 की धोखाधड़ी भी अवैध पट्टे के नाम पर की है। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार की खबर की, जहां कलेक्टर चंदन कुमार ने राइस मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई की। बैंक गारंटी के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए जो जमा थे उसे सीज कर लिया। धान के बदले निर्धारित समय सीमा में चावल जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई। राइस मिलर्स पर कार्रवाई को लेकर यह जानकारी से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिए। जी देखिए, आपको बता दें कि जो पूरी कार्रवाई है तो कलेक्टर चंदन कुमार ने की है कि राइस मिलर्स द्वारा शासन को नुकसान कराते हुए धान के बदले निर्धारित समय में सीमा के उसे चावल जमा नहीं करने की उसे कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कलेक्टर चंदन कुमार ने अक्षय राइस इंडस्ट्री के बैंक गारंटी के रूप में जो जमा हुए थे लगभग 3 करोड़ रुपए उनको राजसात कर लिया है। कारण ये था वंदिका की खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 का जो मामला है वो शासन द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाए गए धान को ये जो मिलर है अक्षय राइस इंडस्ट्री उसमें द्वारा अनुपातिक चावल 10,153.45 क्विंटल जमा नहीं किया गया था, जिसकी निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2023 तक। जिसके उपरांत अक्षय मिलर्स कुसमी द्वारा चावल जमा नहीं करने पर कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश जारी कर तत्काल उनका जो 3 करोड़ का जो उनका बना था उसको राजसात किया है। वहीं इस मामले पर जो प्रबंध के संचालक है, मार्केट है अधिकारी, उनका भी कहना है कि गारंटी के माध्यम से 3 करोड़ रुपए जमा करने वाले चावल को जमा करा दिया गया है। और समस्त राइस मिलर्स को भी कलेक्टर ने यह आदेश दिया है कि अगर इस तरह की अगर लापरवाही अगर होती है तो शासन द्वारा नियम के रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश। और अब एक बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के लिहाज से, 9 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बार बजट पेश करेंगे। 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन नई सरकार में यह पहला बजट। अब ये देखने वाली बात कि कौन कौन से प्रावधान इसमें लाए जाते हैं। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। ओपी चौधरी को आप वित्त मंत्री के तौर पर फिलहाल प्रदेश में देख रहे हैं और पहली बार ओपी चौधरी बजट पेश करते हुए नजर आएंगे छत्तीसगढ़ का। पूरे छत्तीसगढ़ का ये जो बजट है, देश के अन्य राज्यों के हिसाब से आपको ये बजट छत्तीसगढ़ में गजब लगेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मैं सोचता हूं कि आधा हिस्सा पहले ही बजट में पूरा होने वाला है। तो बजट को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा, यह हमने आपको सुनाया है। लेकिन सिलगेर के दौरे पर वो हैं और हाल ही में नक्सली हमले की समीक्षा भी वो करने वाले हैं, तो उनके तरफ से इसे लेकर भी बयान। उन्होंने कहा कि टेकलगुडम भी वो जाने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कैंप में आम लोगों के लिए विकास योजनाएं और आगे बढ़ती हैं, इसके लिए इनका विरोध करना ठीक नहीं। हम लोग, मैं हूं, एसीएस होम है और एसीएस पंचायत ग्रामीण विकास है। हम सब लोग अभी सिलगेर जा रहे हैं और वहां से टेकलगुडम भी जाने की योजना है, थोड़ी सुरक्षात्मक अनुमति होने पर। मसला ये है कि जो विकास के कैंप बस्तर में दूर दूर तक खुल रहे हैं, उन विकास के कैंपों का विरोध किया जा रहा है, जबकि उन विकास के कैंपों के साथ प्रधानमंत्री आवास सैचुरेशन में कैंप के आसपास सभी को आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, प्राथमिक शालाएं, पेयजल हेतु हैंडपंप, हाईमास्ट लाइट, 500 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू बिजली के सिंचाई के कनेक्शन, मैं आपको मतलब कितनी सारी बातें कहूं, ये सारी चीजें एक साथ उस पूरे गांव में मुहैया कराई जा रही हैं, फिर भी उसका विरोध किया जा रहा है।
रायपुर का जिक्र करेंगे जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आज भी आईटी की कार्रवाई चल रही है। पूर्व मंत्री के घर पर चौथे दिन का ये सिलसिला कि आईटी के अधिकारी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहां पर दबिश दी गई, आईटी की टीम अभी भी दस्तावेज कंगाल रही है, ठिकानों पर कार्रवाई जारी। कई ठिकानों में आईटी ने दबिश दी है और ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का निवास है। यहाँ भी चौथे दिन भी आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, वो सतत जारी है। हालांकि आईटी की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, किस तरह का जो खुलासा हुआ है, इसकी अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और अभी भी कार्रवाई लगातार आईटी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और लगातार कार्रवाई है, जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अंबिकापुर में भी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी सरगुजा के दौरे पर हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संयोजक बनाए गए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। चौथे दिन भी अमरजीत भगत के निवास कार्यालय में इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। आईटी की कार्रवाई से अमरजीत भगत न्याय यात्रा की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। अमरजीत भगत के कई करीबियों से आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। प्रभारी सचिन पायलट का सरगुजा दौरा है। लगातार प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बैठकें कर रहे हैं और रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में संयोजक बने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लगातार उनके घर कार्यालयों में आईटी की टीम दबिश दे रही है। ऐसे में चार दिनों से पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अमरजीत भगत के बंगला और निवास पर हूं और लगातार जो है चौथे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी है और लगातार उनके समर्थकों के यहां भी जो आईटी की टीम है वो लगातार पूछताछ की कर रही है। और ऐसे में कब तक ये आईटी की कार्रवाई जारी रहती है बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से यहाँ एक तरफ जो सचिन पायलट हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार बैठक और रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो भारत जोड़ो यात्रा के लेकर संयोजक बनाए गए थे वो नहीं निकल पा रहे हैं। अब लगातार जिस तरह से सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ में दौरा है और राहुल गांधी के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसे में एआईटी की टीम खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को मुसीबत कम करने का नाम ही नहीं ले रही। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और चलिए अब धनतेरस की खबर की चर्चा कर लेते हैं, जहां बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बाल गृह के बच्चे हैं जो सड़क पर उतर आए हैं। संस्था संचालक पर गंभीर आरोप हैं, घटिया खाना देते हैं, शोषण किया जाता है, ये आरोप बच्चों की तरफ से बाल गृह से जो बच्चे आते हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए धनतेरस की, सड़क जाम कर बच्चे बैठे हुए थे, ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास कर रहे थे, शोषण करने का आरोप लगाया है और घटिया खाना देने का आरोप। अभिषेक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या मांग है इन बच्चों की बताइए। देखिए, ये खबर मिली कि बालगृह के बच्चे हैं जो एक एनजीओ संस्था है वो इसको चला रही है और बच्चे अचानक आज निकले सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगे जो संस्था का जो संचालक है उसके खिलाफ। और बच्चों का ये आरोप है कि यहाँ उन्हें खाना बहुत खराब दिया जाता है, संस्था के लिए जो चावल लिया राशन आता है उसे संचालक अपने घर ले जाता है, जो कपड़े दिए जाते हैं वो भी वो बच्चों को नहीं देता है और उनका शोषण हो रहा है। इस आरोप के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और बच्चों को समझा बुझा कर वापस संस्था में भेजा। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अभी पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उनका आश्वासन है कि जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक। और अब दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां जादू टोना करने के शक में हमला किया गया। बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने पर धारदार हथियार से वार किया। आरोपी बड़ा भाई उसी बात से फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उसे ढूंढ निकाला है पुलिस ने। आरोपी को जंगल से पकड़ा गया।
और फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आरोपी है। और अब बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की, जो कि अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज वो बैठक यहां पर करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई नेता साथ में मौजूद रहेंगे। आपको ये बताएं कि अंबिकापुर के राजीव भवन में बैठक रखी गई है, रणनीति यात्रा को लेकर तय की जाएगी। अगली घटना बलरामपुर की, जहां नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। नाबालिग छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने फौरन पुलिस में शिकायत करी। पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। हैरानी वाली बात यह कि प्रोफेशन शिक्षक का, लेकिन काली कर दी। और दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया अंबिकापुर से, जहां एक मामा ने 9 साल की भांजी से दुष्कर्म किया है। कई बार पीड़िता ने परिजनों को बताने का प्रयास भी किया, लेकिन मामा डरा धमका रहा था और उसी के चलते इस दरिंदगी का खुलासा नहीं हो पाया। परिजनों के पूछने के बाद बच्ची ने पूरा मसला बताया। महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपी मामा गिरफ्तार हो चुका है। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।